वेरी गुड मॉर्निंग टू माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि मेरा टॉपिक चल रहा था कंसंट्रेशन टर्म, मैंने इसमें आप लोगों को फाइव कंसंट्रेशन टर्म्स करा दिए। एक तो मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, और एक मैंने आपको कराई है मोल फ्रैक्शन, और एक पार्ट्स पर मिलियन। राइट, तो मैं अब अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं मोलैरिटी। देखना मोलैरिटी क्या होती है। मोलैरिटी, मोलैरिटी कैपिटल एम, ओके, हाँ मोलैरिटी। तो जो मोलैरिटी है कैपिटल एम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। राइट, अब देखना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे कैलकुलेट करते हो। मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। राइट, मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इस तरह से हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ओके। तो भाई ये हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला है, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, लिखिएगा, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, आर प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। राइट, जल्दी से ये मोलैरिटी का फॉर्मूला नोट कीजिएगा। हाँ जल्दी से ये दोनों फॉर्मूले नोट करें। अब देखिए इसके बाद यूनिट ऑफ मोलैरिटी क्या होती है। यूनिट ऑफ मोलैरिटी देखो, मोल लीटर नीचे से ऊपर जाकर लीटर इनवर्स, ओके, मोल लीटर इनवर्स। राइट, ओके, इसके बाद अब आप यहां पर ये भी देख सकते हो मोलैरिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ रहा है। राइट, अब वॉल्यूम किस पर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पर। फिर टेम्परेचर में चेंज करने पर वॉल्यूम में क्या चेंज होता है, तो मोलैरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। राइट, मोलैरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ओके, तो इसलिए टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म। राइट, इसके बाद मेरा टॉपिक है मोलैरिटी। देखना मोलैरिटी, हाँ मोलैरिटी इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल एम, क्लियर। अब देखिएगा मोलैरिटी होती क्या है। देखना मोलैरिटी और मोलैरिटी में बहुत छोटा डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये है, मोलैरिटी को तो हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलैरिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, और यहां पर मोलैरिटी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। देखिएगा मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। लेकिन मोलैरिटी में क्या था, यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में था, ठीक है, ये सेम था दोनों में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जैसे कि मोलैरिटी में ऐसी मोलैरिटी में, ओनली यहां पर डिफरेंस है ये मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, और मोलैरिटी में क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। राइट, तो देखिएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सेम, मास ऑफ सॉल्यूट, ओके, अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, क्लियर, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, हाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। राइट, ये मेरा मोलैरिटी का फॉर्मूला है, ठीक है,
देखना ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम। अब देखना इसकी यूनिट क्या होगी भाई, यूनिट मोल किलोग्राम इनवर्स। देखो भाई यूनिट ऑफ मोलैलिटी, यूनिट ऑफ मोलैलिटी मोल किलोग्राम इनवर्स। तो जल्दी से आप लोग मोलैलिटी की डेफिनेशन लिखिएगा। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन पर किलोग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट, आर प्रेजेंट इन पर किलोग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट। जल्दी से नोट कीजिएगा ये। अब देखना यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता है, मास पर भी टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो मोलैलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, मोलैलिटी तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है क्योंकि वहां पर वॉल्यूम आता है और ये क्या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ओके नोट इट डाउन। हाँ इसके बाद देखना कुछ मोलर इक्वेशंस हैं वो मैं आप लोगों को यहां पर नोट करा रहा हूं। हाँ मोलर इक्वेशंस देखना क्या है। एक है हमारी m1 v1 = n2 v2। देखो मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, ये मान लो मेरे पास 1 लीटर का वन सॉल्यूशन है, v1 क्या है 1 लीटर है और इसकी मोलरिटी m1 क्या है ये मान लो 5 m। अब उधर से मैं यानी कि कोई आया किसी दूसरे स्टूडेंट ने क्या किया, इस 1 लीटर वॉल्यूम सॉल्यूशन में ना अब 1 लीटर वाटर और मिक्स कर दिया, तब क्या v2 वही 1 लीटर तो पहला था, 1 लीटर पानी और मिला दिया कितना हो गया 2 लीटर हो गया। अब जब वो 2 लीटर सॉल्यूशन बना उसकी मोलैलिटी क्या होगी, तो वो होगी m2। अब इसे मैं किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करूंगा, क्लियर भाई, m1 v1 इधर पुट करूंगा इक्वल, m2 मुझे कैलकुलेट करना है v2 2 लीटर, तो यहां से मेरा m2 यानी कि m2 आ जाए। अब ऐसे ही एक फॉर्मूला तो ये है, ये मोलर इक्वेशन का है, ठीक है, और दूसरी बात ये है देखो मेरे पास दो सॉल्यूशन है एक v1 ये तो है 2 लीटर मान लो और एक v2 ये है मेरे पास 5 लीटर, ठीक है, इसकी मोलैलिटी m1 वो है 3m और इसकी मोलैलिटी m2 वो है 4m, ठीक है, मोलैलिटी 3m और इसकी 4m। अब मैंने इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स कर दिया एक साथ, मिक्स कर दिया तो फाइनल सॉल्यूशन जो बनेगा उसकी मोलैरिटी क्या होगी, तब इसका एक फॉर्मूला है m1 v1 + m2 v2 = m, देखो = m v1 + v2, ठीक है। अब देखो जैसे मैं v1 2 लीटर हो गया, m1 3m हो गया, V और ये m2 4m हो गया, v2 5 लीटर हो गया, राइट, इन्हें पुट करके अब v1 प्लस v2 तो मेरे पास है 2 लीटर और 5 लीटर ये इधर अपॉन में जाएंगे और मेरे को फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी इस फॉर्मूले से कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये दो इक्वेशन है यानी दो फॉर्मूला है जो मैं इस तरह के आप लोगों को लिखा रहा हूं। आपको एक तो ये फॉर्मूला नोट करना है ये वाला और एक फॉर्मूला ये नोट करना है, राइट, जल्दी से नोट करें फटाफट एकदम। ओके अब इसके बाद मैं मोलैलिटी और मोलैलिटी पर बेस कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर चल रहा हूं, ओके, और ये आपकी एनसीईआरटी के ही न्यूमेरिकल्स में लेकर चलूंगा, ओके। अब इसके बाद आपकी एनसीईआरटी में ये न्यूमेरिकल नंबर, हाँ एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल नंबर 5
देखना एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट मास ऑफ सोडियम एसीटेट रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml सॉल्यूशन ऑफ 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट इज 82.0245 ग्राम मोल इनवर्स। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी एक्सरसाइज का। हाँ देखो सबसे पहली बात मोलैरिटी कैपिटल एम, भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट ठीक है अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट राइट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर ठीक है। ये मैंने फॉर्मूला लिख लिया है। अब देखना सोल्यूट क्या है, सोडियम एसीटेट, तो मुझे मास ऑफ सोडियम एसीटेट कैलकुलेट करना है, मास ऑफ सोडियम ठीक है, मास ऑफ सोडियम एसीटेट ये मुझे कैलकुलेट करना है। मोलर मास कितने, मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट केमिकल फॉर्मूला सोडियम एसीटेट का जो कि ये होता है, लेकिन मुझे गिवन है ठीक है, जब मैं कैलकुलेट करूंगा पॉइंट ऑफ नहीं आएगा, लेकिन मुझे न्यूमेरिकल में गिवन है, लेकिन हर जगह देखना इस न्यूमेरिकल में मोलर मास गिवन है वरना मुझे कैलकुलेट करना पड़ता है ठीक है, लेकिन जो हमें क्वेश्चन में गिवन है हम उसी को पुट करेंगे, पॉइंटों में दिया है क्यों, जैसे कि मैं मोलर मास कैलकुलेट करूंगा वो पॉइंटों में नहीं आने का है ठीक है। तो मोलर मास कितना है 82.0245 ग्राम मोल इनवर्स राइट, 1 मोल का मास कितने ग्राम है। और देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हाँ कितना 500 ml ठीक है। अब देखो मोलरिटी में मुझे गिवन है, देखो क्वेश्चन में कहा है मोलर एक्वस सॉल्यूशन, मोलर एक्वस सॉल्यूशन मींस हमें मोलरिटी गिवन है राइट, हमें मोलरिटी गिवन है जो वो कह रहा है क्वेश्चन में ये कि सोडियम इज रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, ये उसकी मोलरिटी है। मोलरिटी क्या है 0.375 ठीक है, ये क्या है इसकी मोलरिटी यानी मोल लीटर इनवर्स राइट, ये मोलरिटी है। अब मैं देखना यहां पर इन वैल्यूज को फॉर्मूला पुट करूंगा और मास ऑफ सोडियम एसीटेट कैलकुलेट करूंगा, 0.375 ये मोलरिटी है, सोल्यूट क्या सोडियम एसीटेट, मास ऑफ सोडियम एसीटेट CH3COONa ये मुझे कैलकुलेट करना है अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट यानी कि सोडियम एसीटेट गिवन है 82.0245 ठीक है, ये अपॉन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर कितना 500 ml है लेकिन हमें लीटर में पुट करना है अपॉन 1000 ठीक है, बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई अपॉन अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई ठीक है। मास ऑफ सोडियम एसीटेट CH3COONa इनटू 1000 भाई घूमकर ऊपर पहुंच जाएगा अपॉन 500 इनटू 82.0245 और इधर ये 0.375 ओके। अब देखना इधर ये मल्टीप्लाई में आ जाएंगे 1000 अपॉन में आ जाएगा, तो मास ऑफ सोडियम एसीटेट में कैलकुलेट कर लूंगा, मास ऑफ सोडियम एसीटेट COONa ये मेरा कैलकुलेट हो जाएगा ओके, नोट इट डाउन बी फास्ट। अब मैं क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में यानी कि कराऊंगा ओके ओके क्लास। और बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ठीक है, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें ओके।